मिशन इंद्रधनुष अभियान रीवा जिले में महिलाओं और शिशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। अभियान के तहत 2 वर्ष तक के बच्चों को 7 तरह की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है। अभियान से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत मैं आंगनबाड़ी में नियमित रूप से आती हूं, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, जिससे मेरे बच्चे को नियमित रूप से निशुल्क टीके लगते हैं और हर एक बीमारी से बचाव होता है, जैसे कि दस्त, निमोनिया आदि जैसे हैं बीमारियों से बचाव होते हैं। सरकार ने नए नए टीकेकरण इतने महंगे महंगे लॉन्च किए, जैसे PCV अभी लॉन्च किया है निमोनिया से बचाने के लिए। वो बच्चे को जो बच्चा मतलब जन्मा है उसको शुरू से लगेगा, 1.5 महीने में लगेगा, फिर 3.5 महीने में लगेगा, 3.5 में, फिर 9 महीने में लगेगा PCV। बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि उनको पहले से समझाइश दी जाती है कि आपके बच्चे को टीका लगने से ये बीमारियों से बचाओ, क्योंकि उसका उनका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में जाएंगे तो कम से कम वो 5,000 का टीका लगे। कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के अनुसार पूरे जिले में टीकाकरण लगभग 96% दर्ज किया गया है। निश्चित तौर पर मिशन इंद्रधनुष देश के स्वस्थ और मजबूत भविष्य की नींव रखने का काम कर रहा है।